हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। भिवंडी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान खुद को पत्रकार बताने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 73,000 रुपए कीमत की MD ड्रग्स बरामद की गई है। आरोपी भिवंडी के गैबी नगर का रहने वाला है, जिसका नाम मुस्तकीम नसीम खान 33 साल है। आरोपी पर NDPS की धारा 8C, 22B और 29 के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तहसील के एक गांव में बोरे में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि काबा गांव में बृहस्पतिवार की सुबह यह शव बरामद हुआ है। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर बोरे को खोला तो उसमें एक शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अरमान के तौर पर हुई है, और जो स्थानीय इलाके में ये काम किया करता था। बताया जा रहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हत्या का ये मामला दर्ज किया गया है और पुलिस दोषियों की तलाश में जुटी। भिवंडी पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बोगस आधार कार्ड के जरिए अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड एक्टिव करके बेचा करते थे। पुलिस ने बताया है कि भिवंडी के नए गांव भंडारी कंपाउंड में स्टॉल लगाकर आधार कार्ड का फोटो बदल कर ये सिम कार्ड बेचा करते थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से 583 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। नागपुर के कुशीनगर में एक बाइक सवार व्यक्ति ने एक लड़की पर एसिड फेंक दिया। ये घटना CCTV में कैद हो गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि लड़की साइकिल से जा रही है और तभी ये बाइक सवार उसके ऊपर एसिड फेंक देता है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के मथुरा में सीमेंट से भरी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर वृंदावन के पास ये हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जिसकी वजह से इस रूट की कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।